डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग साइंस में एनसीईआरटी की बुक से मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार यानी कि फिजिक्स के एक पार्ट को पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद पीछे जो अभ्यास में प्रश्न है उसको हम लोग समझ रहे हैं, उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 से देखते हैं, क्योंकि अभ्यास के क्वेश्चन नंबर 11 तक के हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर क्या वजह है कि ग्रह जो है क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, ठीक है, जबकि तारे टिमटिमाते हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन तक के हम लोगों ने किया था, क्वेश्चन नंबर 12 को करते हैं। 12 क्वेश्चन नंबर लिखा जाए, क्वेश्चन, सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? सूर्य रक्ताभ क्यों प्रतीत होता है? जैसा कि दोस्तों जानते हैं हम लोग कि सूर्योदय और सूर्यास्त यानी कि जब सूर्य उदय होते हैं सुबह टाइम यानी मॉर्निंग टाइम, और जब सूर्यास्त होता है यानी कि इवनिंग टाइम में, सूर्य जो है ज़्यादा लाल दिखता है, ज़्यादा रक्ताप दिखता है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का क्या वजह है? तो हम लोगों ने सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है रक्ताप क्यों प्रतीत होता है इसके बारे में पढ़ा है। लेकिन हालांकि हम लोगों को क्वेश्चन में है कि सूर्योदय के समय यानी कि सिर्फ सूर्योदय के समय पूछ रहा है क्वेश्चन कि सूर्य जो है ज़्यादा रक्ताप क्यों दिखाई देता है, ज़्यादा लाल क्यों दिखाई देता है। तो चलिए इसका आंसर लिखा जाए, हालांकि हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे, फिर भी इसका आंसर लिखा जाए। सूर्योदय के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है, क्योंकि क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य सूर्य क्षितिज पर होता है। क्षितिज बताते हैं कि आखिर ये क्या है, हालांकि जब हम लोग फिगर बनाए थे तो वहाँ पढ़े थे कि ये अर्थ है हम लोगों का, ये पृथ्वी है और ये हम लोगों का नेत्र है, ठीक है, और इसके सामने वाले को बोलते हैं एकदम जस्ट एकदम अपने आँख के सामने वाले को बोलते हैं क्षितिज, और इसके ऊपर ऊपर सूर्य की किरणें होती है। और हम लोग ये भी पढ़े थे कि सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 मिनट का अंतर भी होता है, तो क्षितिज का मतलब हुआ बिल्कुल आँख के सामने। तो क्या लिखे हम लोग, क्योंकि सूर्योदय के समय सूर्य क्षितिज पर होता है, पूर्ण विराम, पृथ्वी से दूरी अधिक होने से पृथ्वी की दूरी अधिक होने से नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अत्यधिक हो जाता है, जिसके कारण सूर्य सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, जिसके कारण सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है। पूर्ण विराम। अब की बार पूर्ण विराम करने के बाद थोड़ा सा दे दीजिएगा, मतलब थोड़ा सा जगह आगे छोड़कर उसके नीचे से फिर लिखिएगा, ठीक है। लिखा जाए, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है, इसी का आंसर है, अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं, इसी का आंसर है, बशर्ते थोड़ा सा छोड़कर, जैसे यहाँ तक पूर्ण विराम हुआ, फिर उसके नीचे से लिखना है पैराग्राफ चेंज करके, मतलब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में सूक्ष्म कण लाल रंग की अपेक्षा
लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग की अधिक प्रबलता से, नीले रंग की अधिक प्रबलता से परकीर्णन करते हैं, परकीर्णन करते हैं क्योंकि क्योंकि लाल रंग का प्रकाश का तरंग धैर्य, लाल रंग का प्रकाश का तरंग धैर्य नीले रंग के तरंग धैर्य से, नीले रंग के तरंग धैर्य से 1.8 गुना है, 1.8 गुना है। देखिए सबसे पहला बात कि आखिर क्या वजह है कि सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो है ज़्यादा लाल दिखाई देता है। तो इसका मेन वजह है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब क्या है? तो हम लोग प्रकाश के प्रकीर्णन में सीखे हैं जिस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है उस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ठीक है? और जिस रंग का प्रकीर्णन कम होता है उस रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो दोनों में उल्टा रिलेशन है। हम लोग जानते हैं कि लाल का जो तरंग दैर्ध्य है, लाल तक का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा है, इसके वजह से इसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। तो इसीलिए जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता है तो सूर्योदय चाहे सूर्यास्त के समय पृथ्वी से जो सूर्य की दूरी है वो बहुत अधिक दूरी हो जाती है, किसके सिवाय? दोपहर के सिवाय। दोपहर में बिल्कुल सामने परछाई पड़ता है तो आप देखते होंगे कि वो पृथ्वी के बहुत नज़दीक आ जाता है, यानी कि दूरी कम हो जाता है, ठीक है? तो पहला वजह क्योंकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य जो है होता है पृथ्वी से अधिक दूरी पर होता है, इसलिए नीले प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य है वो बहुत कम हो जाता है और लाल का तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होता है। तो लाल का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा का मतलब लाल का प्रकीर्णन सबसे कम हो जाता है। तो जितना प्रकीर्णन कम होगा उतना ही हम लोगों को ज़्यादा सटीक दिखेगा, ज़्यादा कलरफुल दिखेगा। तो इसके यही कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? रक्ताभ यानी कि लाल रंग से, लाल का गोला जैसा दिखाई देता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। चलिए इस चैप्टर का एंड क्वेश्चन करते हैं, दैट इज अ लास्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत बढ़िया इंटरेस्टेड क्वेश्चन है कि आखिर अंतरिक्ष यात्री को वायुमंडल जो है यानी कि आकाश जो है काला दिखता है सिवाय हम पृथ्वी पर, अगर पृथ्वी पर होकर अगर अपने आकाश को देखें वो नीला होता है। तो यही सवाल बोल रहा है। चलिए सवाल को पहले लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 लिखा जाए। क्वेश्चन है किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? नीला के अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है? चलिए अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये सबसे पहले समझ जाइए कि एकदम बिल्कुल सटीक है कि हम लोग पृथ्वी पर से अगर हम आकाश की ओर देखेंगे नीला दिखाई देगा, लेकिन अंतरिक्ष यात्री को जो हवा में ऊंचाई पर उड़ते हैं तो उनको आकाश कैसा दिखता है? काला दिखता है। चलिए तो इसका भी आंसर हम लोगों ने किया है कि आखिर आकाश का रंग नीला क्यों होता है। तो वहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग चर्चा किए हैं कि जब ऊंचाई पर हम लोग पृथ्वी से ऊपर उठेंगे तो अंतरिक्ष यानी कि आकाश का जो रंग है उस वो काला दिखाई देता है। चलिए इसका आंसर लिखा जाए, इसका उत्तर, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं, अंतरिक्ष यात्री आकाश में उस ऊंचाई पर होते हैं जहाँ वायुमंडल नहीं होता है, जहाँ वायुमंडल नहीं होता है और न ही, और
न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है और न ही प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, इसलिए 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 अंतरिक्ष यात्री को आकाश इसलिए अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीला के अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। नीला के अपेक्षा काला दिखाई पड़ता है। चलिए, सबसे पहला बात इसका वजह क्यों है? इसका वजह यही है कि अंतरिक्ष यात्री चूंकि वो जहाँ से देख पाता है वहाँ वायुमंडल नहीं होता है और वहाँ पे न तो किसी प्रकाश का प्रकीर्णन हो पाता है, यानी कि कोई भी लाइट का प्रकीर्णन प्रकाश का प्रकीर्णन होता ही नहीं है। इसके वजह से हम लोगों का आकाश अंतरिक्ष यात्री में अंतरिक्ष से जाकर अगर देखेंगे तो बिल्कुल काला नज़र आएगा। तो इसका मेन रीज़न क्या है? क्योंकि वहाँ पे से कोई प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, ये चैप्टर हम लोगों का आज एंड हो गया, मानो नेत्र और रंग बिरंगा संसार। तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर जो हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? अभी मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार एक फिजिक्स के चैप्टर को पढ़ें, तो चलिए उसके बाद एक केमिस्ट्री के सेक्शन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ऐसे कर कर के हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोगों को जो एग्ज़ाम होने वाले होंगे बीच में, जिसको हाफ हाफ ईयरली बोल सकते हैं, क्वार्टरली बोल सकते हैं, तो उसमें हम लोगों को तो सभी क्वेश्चंस आएंगे, फिजिक्स से भी आएंगे, केमिस्ट्री से भी आएंगे, बायो से भी आएंगे। तो इसलिए अब जो है हम लोग केमिस्ट्री के एक चैप्टर को पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है, ये एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है, हालांकि हम लोग पहला चैप्टर को पढ़ भी लिए हैं, विद्युत रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, ऐसा करके पहला चैप्टर है उसको हम लोग कंप्लीटली कर लिए हैं। तो केमिस्ट्री का एक चैप्टर कर लिए हम लोग, अब आइए केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर जिसका नाम है अम्ल कौमा क्षार एवं लवण। ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे अगले क्लास में। तो दोस्तों, अब हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और जब केमिस्ट्री ख़त्म होगा तो फिर से पढ़ेंगे बायोलॉजी, और फिर से बायोलॉजी अगर ख़त्म होगा तो फिर पुनः आएंगे फिजिक्स पे। इस तरीके से हम लोगों का एक साइकिल चलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, और ये तब तक साइकिल चलेगा जब तक कि हम लोगों का पूरा ये सिलेबस ख़त्म नहीं हो जाता, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ठीक है। तो दोस्तों, अगले क्लास में एक साइंस के न्यू चैप्टर के साथ, जो कि एक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसका नाम है अम्ल क्षार और लवण, ये दूसरी चैप्टर है एनसीईआरटी का, तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, तब तक लिए धन्यवाद।